नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टू चैनल बिश्नोई जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, इस बिजनेस को आप सर्दियों में बहुत ही अच्छे खासे तरीके से शुरू करके कमाई बहुत ज्यादा कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का बिजनेस आइडिया। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, आज का जो बिजनेस है वो गांव के लिए एक तरह से, अगर आप समझ लीजिए कि बिजनेस की तलाश कर रहे हैं वो भी सर्दियों के मौसम में, तो जी हाँ मेरे दोस्तों आज ही से चाहे तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है और ज्यादा इसको रिसर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों से जुड़ा हुआ काम है और सर्दियों से जुड़ा हुआ बिजनेस है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप चाहें तो बहुत ही आसानी तरीके से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, दोस्तों आप चाहें तो इसका दो तीन जरिया है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आप किस तरीके का बिजनेस शुरू करेंगे, हम तीनों तरीके के बारे में बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहली बात। दोस्तों पहली बात बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका डिमांड किस तरह से है और आप किस तरह से बिजनेस शुरू करेंगे ताकि इसका डिमांड ज्यादा है। जिस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं इसका डिमांड काफी ज्यादा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये जो बिजनेस है वो जूता बेचने का बिजनेस है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही जो सर्दियों के मौसम में सर्दी से बचने के लिए लोग पहनते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, पैर में। दोस्तों जूता का एक ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों गांव शहर गली मोहल्ला, मतलब कहीं पर भी जहां पर भी पब्लिक रहती है, बच्चा बूढ़ा सियाना औरत महिला, मतलब जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं दोस्तों, सभी लोगों की जरूरत का सामान है सर्दियों के टाइम पे। गर्मियों के मौसम में कुछ ही लोग पहनते हैं जो ऑफिस वगैरह में, जो ड्यूटी वगैरह जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, लेकिन दोस्तों सर्दियों के मौसम में घर पे हो या कहीं पर भी दोस्तों सभी लोगों की जरूरत होती है पहनने के लिए, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों इसी में ये बिजनेस है और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जूते के बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों मैं तीन माध्यम बता रहा हूं। अगर आप गांव में रहते हैं तो जरूर इस बिजनेस को शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो माध्यम है, दोस्तों जो पहला माध्यम है उसमें आपको समझ कर चलिए कि गांव में रहते हैं तो ये माध्यम बहुत कम देखने को मिलता है इस तरीके से बिजनेस करने के लिए, और वह जो माध्यम है, जो वह जो तरीका है उसको ज्यादा लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो लगभग अगर मतलब शहर टाइप का भी है तो भी उस माध्यम को लगभग बहुत गिने चुने लोग उस तरह के माध्यम को अपनाते हैं, क्योंकि उसमें पूंजी भी ज्यादा लगता है और एक तरीके से आपको होलसेल बिजनेस करना होता है, क्योंकि होलसेल बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको एक तरह से आपको माल सीधा सीधा कंपनी से मंगा करके आप रख सकते हैं और वहां से फुटकर व्यापारियों को, जो मतलब थोक में आप जो भाव में लेकर के जाते हैं व्यापारी, जिनका मान लीजिए छोटा मोटा शॉप होता है 1-2 लाख पूंजी का, दोस्तों उनको आप सेल कर सकते हैं, मतलब होलसेल बिजनेस भी आप शुरू करके उसमें भी आप बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरा माध्यम है कि आप एक मतलब गांव में रहते हैं तो एक छोटा सा मतलब दुकान के जरिए 50,000 या 1 लाख पूंजी लगा करके दोस्तों बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी दोस्तों सबसे जरूरी जो चीज है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे जरूरी चीज यह है कि दुकान करना, पैसे लगाना, पूंजी लगाना अगर आपके पास पैसे हैं तो आसान है। दोस्तों किसी भी चीज को मान लीजिए बिक रहा है उसको खरीद लेना आसान है, लेकिन अगर आप अगर एक व्यापारी हैं तो उसको अगर आपको बेचना है तो बेचना कठिन है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि आपको उस जगह का चुनाव करना जरूरी है जहां पे वो आसानी से बिक सके और जहां पे मार्केट में कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को कि अगर दुकान भी अगर आप शुरू मतलब दुकान भी अगर 50,000 1 लाख रुपए लगा करके छोटा सा भी दुकान करते हैं तो भी दोस्तों उस जगह का चुनाव करना होगा जहां पे काफी सारे इलाके के लोग आते जाते रहते हो, या मतलब एक तरह से बड़ा मतलब बाजार वगैरह जहां पे लगता हो, बड़ा शहर टाइप का हो, मतलब मिनी शहर हो, छोटा शहर हो, लेकिन कई गांव के लोग, इलाके के लोग दूरों दूरों तक वहां पे बाजार मार्केट करने आते हो। दोस्तों वहां पे अगर आप इस दुकान को अगर छोटी पूंजी में भी अगर शुरू करते हैं, एक छोटा सा मान लीजिए आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, अगर घर जगह पे लेते हैं, कमरा लेते हैं तो आपको वहां महंगा पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपका बिजनेस अगर वहां पे शुरू किए हैं तो निश्चित ही डेफिनेटली 100% चलने का चांस है सर्दियों के मौसम में। दोस्तों अब रह गई बात
दोस्तों जो तीसरा माध्यम और तीसरा तरीका है दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो जो तरीका है वो एक आम आदमी के लिए, एक तरीके से समझ लीजिए कि उसको कस्टमर को खोजने की जरूरत नहीं है, कस्टमर के पास खुद चल करके जाना है और आपको पैसे कमाना है। दोस्तों इस तरीके में एक खास बात और है कि आपको अपने मतलब निजी कोई वाहन है उससे आपको इस बिजनेस को करना होता है। मान लीजिए अगर गांव में रहते हैं तो आपको मतलब एक अच्छा सा मतलब बैग वैग तैयार करके दोस्तों आपको घुमा करके बेचना होता है जूता। दोस्तों इसमें ये चीज आपको फायदा होता है कि आप एक मतलब छोटी पूंजी का, उसमें आपको 50,000 भी नहीं पैसे पूंजी लगाना है, लगभग 5-10 हजार रुपए पूंजी लगा करके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत कम लागत का बिजनेस है और इसमें मतलब कस्टमर के पास आप खुद जाएंगे, मतलब कहने के तौर पर आपको मतलब बैठ करके एक जगह ये नहीं सोचना है कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसी बात नहीं है। आपको उस बिजनेस को घूम करके, इलाके में घूम करके उस बिजनेस को शुरू करना है। और दोस्तों इसमें सबसे खास बात जो मैंने पहले ही बताया कि इस बिजनेस में आपको बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है, आपको उतनी ही पूंजी की जरूरत होती है जितना आप सामान रख सकते हैं एक दिन में लेकर घूम कर बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत मतलब एक इंटरेस्टेड समझ लीजिए कि अगर कम पूंजी के अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है जो तीसरा आइडिया है, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को इस तरीके से शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये बिजनेस आज ही से शुरू कर सकते हैं। और रह गई बात कि आपको मटेरियल कैसे खरीदना है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार के बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं, अब रह गई बात इसका तो मैं बता देता हूं कि जरूरी नहीं है आप जूते का ही बिजनेस करें, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आपको मटेरियल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन दोस्तों या तो अगर मान लीजिए वो कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मतलब कोई कंपनी से बनाया हुआ चीज है, तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि कंपनी अगर आपके पास नहीं है, काफी मतलब बहुत दूर है, तो दोस्तों होलसेल दुकान से आपको थोक रेट में खरीदना होता है बेचने के लिए, छोटे छोटे अगर पूंजी के आप शुरू करना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों मतलब अगर कंपनी का प्रोडक्ट है तो, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो किसानों से रॉ मटेरियल खरीदना होता है दोस्तों, मतलब दो कंडीशन के बिजनेस होते हैं जो एक तरीके से, मान लीजिए अगर आप खाने का कोई सामान बेचते हैं अन्न से जुड़ा हुआ, तो दोस्तों आपको उसका मटेरियल किसानों से लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों से लेकर आप तैयार करके आराम से बना करके बेच सकते हैं। और दोस्तों या तो अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर जो कंपनी से बना हुआ होता है तो आप कंपनी पे तो जाते नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी दूर है गाँव से, तो दोस्तों जहाँ पे उसका मतलब थोक व्यापार होता है वहाँ से खरीद करके आप फुटकर में बेच लेते हैं या उसको तैयार करके बेच लेते हैं। तो दोस्तों ये दो ही कंडीशन होता है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप को इतना समझाने की तो आवश्यकता नहीं है कि आपको माल कहाँ से खरीदना है, आप जरूर जहाँ रहते होंगे वहाँ थोक व्यापारी होगा और आप वहाँ से माल खरीदेंगे, और जाहिर सी बात है आप एक तरीके से कम पूंजी लगा करके जो तीसरा जो माध्यम है, तीसरा तरीका है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, अवश्य ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि ये जूते का जो बिजनेस है ना, एक तरीके से अगर गांव में रहते हैं, अगर आपके पास पूंजी है, तो दोस्तों ये तीनों माध्यम भी अगर आप अपना लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप चाहें तो ये तीनों तरीके से आप खुद इसका बिजनेस, मतलब होलसेल बिजनेस, फुटकर बिजनेस और एक दुकान भी शुरू कर सकते हैं। आपको वर्कर मतलब काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी और दोस्तों आप उनको काम पे रख करके दोस्तों इस बिजनेस को बहुत ही आसानी तरीके से पूंजी लगा करके चला सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।